चलिए तो हम डिस्कस करते हैं अबाउट दिस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स, कार्टिलेज एंड ब्लड, इन तीनों ही चीजों को डिफरेंट, ये जो तीन डिफरेंट चीजें हैं तीनों को हमने एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाला है, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम सबसे पहले बोन्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में बात करें तो हम इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। जो बोन्स होती है वो हार्ड या फिर बोनों की सॉलिड एंड नॉन प्लायबल होती है। नॉन प्लायबल का मतलब है कि नॉन मूवेबल, इजीली हम उनको मूव नहीं कर सकते, हड्डियों को बोन्स को इजीली मूव नहीं कर सकते। जबकि जो कार्टिलेज है वो सॉलिड है लेकिन वो प्लायबल होती है, यानी कि इजीली उनको हम मूव कर सकते हैं। तो जो बोन और कार्टिलेज के बीच हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस के बारे में, बोन बहुत ज्यादा हार्ड होती है और नॉन प्लायबल होती है, जबकि जो कार्टिलेज है थोड़ी सॉलिड है लेकिन वो प्लायबल है, हम मूव कर सकते हैं इजीली। द सेल्स ऑफ द बोन्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। और जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स, साइट्स का मतलब सेल्स है, कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज, यहां साइट्स का मतलब सेल्स है, ऑस्टियो का मतलब बोन्स। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द स्टडी ऑफ बोन्स कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी एंड व्हाट इज द स्टडी ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड कॉन्ड्रोलॉजी। सो बेसिकली यहां पर ऑस्टियोसाइट्स यानी कि बोन्स के सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि कार्टिलेज के सेल्स के बारे में बात हुई है। जो बोन्स है दे हैव अ कैविटी, दे हैव अ स्पेस जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स फ्लोट करेंगे इन द स्पेस कॉल्ड लैक्यूले। तो यहाँ पर जो बोन मैरो होती है बेसिकली वो एक स्पेशल साइट है, इट इज द साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स लाइक आरबीसी। तो जो डिफरेंट टाइप के सेल्स की फॉर्मेशन होती है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बोन मैरो, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। जो कार्टिलेज है मैंने बोला कि जो उनके अंदर सेल्स है वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ये भी जो स्पेसिफिकली एक स्पेस पर प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट जैसे स्पेशलाइज सेल्स है जो फर्दर डिफरेंशिएट करके इनको प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है यानी कि जो कार्टिलेजिन सेल्स है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, तो उनकी लोकेशन के बारे में बात करें तो वो नोज टिप पे प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारे एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन्ना में, एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन्ना। तो कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर कार्टिलेजिनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है, हमारे फेलेंजेस के बीच में प्रेजेंट होगा, इजीली आप उसकी मूवेबिलिटी कर सकते हैं। अगर बोन्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिम्स में, वर्टिब्रे में, हर जगह पर बोन्स प्रेजेंट होती है। तो जो लिम्स है बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, क्योंकि जो बोन्स है वो इजीली सपोर्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी को, वेट उठा सकती है, सो देयर फंक्शन इज टू लिफ्ट वेट। तो हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है उसको कैरी करने का काम लिम्स करते हैं। तो हमने पढ़ा जो बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है, उनके सेल्स को क्या कहते हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है। सिमिलरली हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, मैं सिर्फ ब्लड का ओवरव्यू थोड़ा सा यहाँ पर दूंगी क्योंकि उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो बेसिकली जो ब्लड है एज आई टोल्ड यू कि वो एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है, एक लॉट ऑफ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू एक्सेप्ट द लिम्फ। तो ब्लड क्या है, इसके पास डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, आप उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में आप देखोगे कि वाटर परसेंट होता है 90% वाटर ही है, उसके साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। उसके बाद जो प्लाज्मा है उसके साथ साथ घर में फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं क्योंकि उसके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। सो बिकॉज रेड कलर की कोई पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है उसका कलर रेड है, जबकि डब्ल्यूबीसी को कलरलेस का आ जाता है क्योंकि उनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होती है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का होगा, उसका जो अमाउंट है वो 5 to 5.5 मिलियंस पर एमएम क्यूब होगा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो कि 12 टू 16 ग्राम अमाउंट में प्रेजेंट होती है पर 100 एमएल का, और डब्ल्यूबीसी का जो अमाउंट है वो 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके बीच में जो कि आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, दूसरा ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, देन प्लेटलेट्स पे चलते हैं। लगभग 1.5 से 3.5 लाख उसका नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए हमारी बॉडी में, उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। स्टिल अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।